Hi guys, this is me, Rafeel, Shamim, and we are... Hi guys, this is me, Rafeel, Shamim. This is day 5 of my Pakistan tour. So today we are going to Naran se dobara Balakot. We are going to go to Naran ke bazaron mein, wahan ghumenge, uske baad wahan se waapas niklenge direct Balakot. Balakot se subah 7 baje hum agle din niklenge Chillas ke liye, kyunki hum yahan se agar direct jayenge to wo rasta hame milega mushkil aur toota phoota band padega. To isliye hum niche se jaake dusra lamba wala rasta leke phir Chillas jayenge. To isme hamara thoda sa time zyada ja raha hai. Bas to ye thi update. Stay tuned. Peace out. This is day 5. नारान में रात गुजारने के बाद वी नीडेड टू गो चिलास बट खबर ये थी कि नारान से चिलास जाने वाली रोड्स बंद थी वी स्टिल टुक आवर चांसेस और हमने छोटा रास्ता लिया इस उम्मीद में कि क्या पता चिलास जल्दी पहुंच जाए बट अनफॉर्चुनेटली द रोड्स वर एक्चुअली क्लोज्ड अगर आप कभी ऐसा करें तो याद रखना डोंट लेट योर एफर्ट गो टू वेस्ट और रास्ते में अगर कोई ठंडे पानी की नहर दिख जाए तो वहाँ ज़रूर रुक जाएं इट्स वर्थ इट तो गाइस हम रास्ते में एक बड़ी अच्छी नहर के पास रुके हैं बर्फ का पानी पिघलता हुआ आ रहा है वो पूरी स्ट्रीक आ रही है पानी की और यहाँ से हमें जाना था ब्रिज से लेकिन हमने कहा भाई यहाँ पे फोटो शोटो ले लें क्योंकि भाई फोटोज भी ज़रूरी हैं तो ऑब्वियसली फोटोज लेंगे अब हम चेक द व्यू और फिर हम निकल पड़े टुवर्ड्स द लॉन्ग रूट द कराकोरम हाईवे बट अब आप ही बताएं अगर आप दरिया कुनार के पास से गुजर रहे हों और आउट ऑफ नोवेयर आपको रास्ते में राफ्टिंग बोट्स नजर आ जाए तो आप क्या करेंगे ये दरिया कुनार से हम गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि अभी राफ्टिंग कर लें तो वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड नाउ और फिर राफ्टिंग के सीन्स ऑन है भाई सो वी आर गोइंग ऑन टू राफ्टिंग नीचे जा रहे हैं पानी की तरफ और फिट सीन मजा आने वाला है लेट्स गो एंड तक आ चुके हैं और बहुत मजा आया इट्स क्रेजी अमेजिंग इट वाज हेल फन अब हम आगे की तरफ जाएंगे और देखते हैं फिर कहां कहां जाते हैं मोर टू कम स्टे ट्यून्ड तो हमने राफ्टिंग कर ली बहुत एंजॉय किया और नाउ अब हम जा रहे हैं शुगरान की तरफ शुगरान में जाएंगे हम सिरी पाए पे वहां पे सुना है बड़ी अच्छी जगह है तो हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा स्टे ट्यून्ड नारान बाज़ार से हम गुजरते हुए चल पड़े फिर से शोगरान की तरफ
जहां से हमें जाना था सिरी पाए के मकाम पे। शोगरान बालाकोट से 34 किलोमीटर की दूरी पर वाके एक हिल स्टेशन है। नारान से शोगरान का रास्ता बेहद खूबसूरत है, जो कि पाइन फॉरेस्ट से सराउंडेड है। खूबसूरत नदियों और दरियाओं से गुजरने के बाद बुलंद पहाड़ों में बसते हुए इस हिल स्टेशन में अगर आप स्टे करने का सोच रहे हैं तो ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि यहां तमाम फैसिलिटीज़ और मोबाइल के सिग्नल्स भी अवेलेबल हैं। बट क्योंकि हमें शोगरान में रुकना नहीं था, तो हमने फौरन से आगे सिरी पाए की तरफ जाने का सोचा। तो हम दोबारा से शोगरान में रुके हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं जीप्स में ऊपर सिरी पाए की तरफ, और सिरी पाए जाके फिर देखते हैं क्या सीन होता है। अरे मेरी बहन है, सब रेडी हो गए सिरी पाए के लिए। ऊपर एक्सपेक्टेड है कि बहुत सर्दी होगी, ठंड होगी, तो हम देखते हैं ऊपर जाके क्या होता है, होती है कि नहीं होती है। सिरी पाए तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पे वाके खुले मैदान और लेक हैं। सिरी पाए का रास्ता खतरों से भरपूर है और इन रास्तों पे सिर्फ आप 4x4 जीप्स की मदद से ही चढ़ सकते हैं। बट इट्स ऑल वर्थ इट। नहीं, हम लोग अभी पाए आ चुके हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ सिरी का है। चेक करें वो जगह, अगर आपको दिख रही हो तो गाइस वो जगह है सिरी। इस खाए के बीच से अगर आपको दिखे वो छोटी सी जगह जो है वो सिरी है, वो जो घर वर बने हुए हैं। और हम ज़रा पाए को डिस्कवर कर लें। आप ऊपर खुला मैदान है, सुना है, और बादल, पहाड़ और पहाड़ों की चोटियाँ, बर्फ़ जमी हुई, सब कुछ दिख रहा है भाई इधर से। तो चीन ऑन है। जब आप सिरी पाए पहुँच जाएँ तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उस जगह की खूबसूरती को और उस जगह में मौजूद भरपूर सुकून को फील करके अपने अंदर समेट लेना। एंड गेस व्हाट, मैंने भी यही किया। हमारा सिरी पाए का सफ़र, निकल पड़े हैं हम अपनी अगली मंजिल की तरफ। अगर आपको सिरी पाए का सफ़र पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।